उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पुलिस ने दो बुजुर्ग महिलाओं को हिरासत में लिया है। महिलाओं पर आरोप है कि बड़ी दुकानों से सामान चोरी करने की घटनाओं को अंजाम देती हैं। आरोपी महिलाओं का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें वह चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हुए दिख रही हैं। जरा गौर से देखें इन बुजुर्ग महिलाओं की भोली भाली सूरत को। चेहरे से तो यह बुजुर्ग महिलाएं बड़ी ही मासूम नजर आती हैं, लेकिन पतंजलि स्टोर से इनकी एक हरकत ने इनको थाने पहुंचा दिया। दरअसल पतंजलि स्टोर के अंदर जमीन पर बैठी ये महिलाएं बड़े ही शातिर अंदाज में चोरी की घटनाओं को अंजाम देती हैं। इन महिलाओं को पतंजलि के इसी स्टोर पर कपड़ों के अंदर घी के डिब्बे चुराते हुए पकड़ा गया है। इन दोनों बुजुर्ग महिलाओं ने वहां रखे घी के डिब्बों को एक एक करके अपने कपड़ों के अंदर छिपाना शुरू कर दिया और घी के डिब्बों को स्टोर से बाहर निकलकर खड़ी तीसरी महिला को देकर चलता कर दिया। इन महिलाओं को लगा कि शायद इनकी चोरी को कोई देख नहीं रहा, यही वजह थी कि ये दोबारा फिर साबुन लेने के बहाने यहाँ आई और फिर एक घी का डिब्बा लेकर चलने लगी। हालांकि इस बीच कर्मचारी हाजरा को शक हुआ तो उसने उनकी तलाशी ली। तलाशी लेने के बाद सारी पोल खुल गई और बुजुर्ग महिलाओं की पूरी असलियत सामने आ गई। महिलाओं के दोनों बार कपड़ों में घी रखते हुए पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। दरअसल अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी के मसूदाबाद चौराहे पर बने पतंजलि आयुर्वेद डिपार्टमेंटल स्टोर पर सासनी गेट इलाके की रहने वाली दो महिलाएं मीना और उसकी जेठानी उषा घर के अंदर रोजमर्रा की जरूरी सामान लेने के लिए पहुंची थी। जब शोरूम के कर्मचारी अपने काम में व्यस्त थे, उसी दौरान बुजुर्ग महिला मीना ने शोरूम के अंदर सामान देखना शुरू कर दिया और देखते ही देखते दो घी के डिब्बे उठाकर अपने कपड़ों में छिपा लिया और शोरूम से बाहर निकलकर घी के डिब्बे को पहले से बाहर खड़ी महिला के हाथों में थमाकर दोबारा चोरी करने के लिए स्टोर के अंदर जा घुसी। घी के डिब्बे चुराने के बाद जब दोनों महिलाएं लड़खड़ाते हुए शोरूम से बाहर निकलने लगी, तभी शोरूम के अंदर मौजूद कर्मचारियों को इन महिलाओं पर शक हुआ। शक तब और भी गहरा हो गया जब कर्मचारियों ने शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो उसमें यह दोनों महिलाएं घी के डिब्बे को अपनी साड़ी के अंदर छिपाते हुए नजर आ गईं। तो झांक के आकर उन्होंने दो घी के टीन के डिब्बे उठाए। पहले घी के टीन के डिब्बे उठाकर फिर उन्होंने साइड से अपनी साड़ी खोलकर उसके साड़ी के अंदर दो घी के टीन के डिब्बे उठाकर वो फिर सामान लेकर वहाँ पर बिलिंग करवाने आ गई। स्टोर के अंदर घी की चोरी करने वाली मीना ने कहा कि वह शोरूम के अंदर साबुन लेने के लिए आई थी, जो घी का डिब्बा लिया था उसे वापस कर दिया। अलीगढ़ के बन्ना देवी क्षेत्र के सीओ पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि बन्ना देवी क्षेत्र में पतंजलि स्टोर पर महिलाओं को चोरी करने का मामला सामने आया है। इस मामले को संज्ञान में लेकर जांच की जा रही है और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। थाना बन्ना देवी के मसूदाबाद चौकी अंतर्गत एक पतंजलि का स्टोर है, वहाँ पे एक मामला प्रकाश में आया जिसमें कुछ महिलाएं पतंजलि स्टोर से कुछ सामान की चोरी कर रही हैं। इस मामले को पुलिस संज्ञान में लेकर इसकी जांच कर रही है और जांच के उपरांत जो अजय कुमार, जनमत न्यूज़, अलीगढ़।